मुख्यमंत्री जी विधान परिषद में बोल रहे थे कि आजमगढ़ के अंदर चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव हो, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ ये विधान परिषद में कही हुई बातें, विधानसभा में कही हुई बातें ये परंपरा हो जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अधिष्ठाता आपके माध्यम से, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, आजमगढ़ के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। सठिया में चीनी मिल रिकॉर्ड समय में 16 महीने में बना करके गन्ना किसानों को समर्पित करने का काम किया। आजमगढ़ के अंदर सठियाओं के अंदर चीनी मिल बनाने का काम आजमगढ़ के अंदर अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ही नहीं मानवा, आजमगढ़ को मंडल मुख्यालय बना करके, आजमगढ़ को मुख्यालय बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ की महत्ता को स्थापित करने का काम किया। इतना ही नहीं मानवा, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के अंदर जो कलेक्ट्री बनी है वैसी कलेक्ट्री कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं नहीं दिखती है। आजमगढ़ के अंदर एक ऐसा कलेक्ट्री भवन बनाया गया है कि जो भी जिलाधिकारी आता है वह आज अपनी नजरों से देखता है। आपको मैं आज दावत देता हूँ कि आइए आज देख जाए, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे मंडल के हैं, मैं उन्हें से अनुरोध करता हूँ आवे और देखें कि उस तरह की कलेक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाए तो अपने आप उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई देने लगता है। आचार्य नरेंद्र देव मानवर लोग 14-14 मिनट मिले, मैं 5 मिनट नहीं बोल पाया हूँ, मैं आज से अनुरोध करता हूँ 2 मिनट का समय। आप इतना ही नहीं, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस आजमगढ़ के अंदर बनाने का काम हुआ, और जिस हवाई पट्टी पर आपके प्रधानमंत्री जी उतरे थे वो हवाई पट्टी बनाने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। इतना ही नहीं बोल रहे, हम तो आपसे कहना चाहते हैं हम उस छोटी बातों को 200 बेड का हॉस्पिटल, राजकीय महाविद्यालय महिला महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने गांव के अंदर बनवाया है अपने विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में, जहां पर पूरे आजमगढ़ के पूर्वांचल का अधिकार, वहीं पर मानवर जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यही 24 साल की मूर्ति के सामने शिलान्यास हुआ था। आपका केवल यही काम हो गया है कि शिलान्यास का शिलान्यास करो, उद्घाटन का उद्घाटन करो, और बताओ कि हमने भी लोक भवन बना दिया, हमने मेट्रो बना दिया, हमने इकाना पिक्चर किया। अरे कितना आप असत प्रलाप करेंगे, कितना असत प्रलाप करेंगे, आप असत कितना प्रलाप करेंगे। आपके बजट में, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे। मैं छात्र नेता रहा हूँ और उस विद्यालय के यूनियन का हम अध्यक्ष जी बैठे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, क्या आप एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आप बना पाए? कब तक आप गिराओगे कि राम की धरती है, की धरती है किसान की धरती है, राम और कृष्ण चाहती है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय आप बनाओ, एक टेक्निकल विश्वविद्यालय आप बनाओ, ताकि उत्तर प्रदेश का लड़का हुनरमंद होकर के अपने पैरों पर खड़ा होकर के दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करे। आप कब तक कहोगे कि कृष्ण की धरती है, कब तक आप कहोगे राम की धरती है? अरे राम तो घर घर में व्यापी है, राम को कौन नहीं मानता है? वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सारे के सारे मानवर आपके बजट में, आपके बजट में ना तो किसानों के प्रश्न है, आपके बजट में ना तो गरीब के प्रश्न है, आपका बजट पूर्णतः खोखला है। इस बजट से उत्तर प्रदेश की जनता ने हर गांव निराशा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो बकाया है आप एक भी बकाया देने का काम नहीं कर पाए। मानवर हम आपसे कहना चाहते हैं, 3-4 साल हो गया गन्ने का एक भी पैसा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं की। देखा तो दुगनी कर देंगे, हाथ आपका संक्रमण नहीं दिखा जाएगा, हाथ मांगी मार हमारे देश में आई।